महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और एनसीपी कितनी, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच मुंबई में एनसीपी नेता सुनील तटकरे के घर पर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, आरआर पाटिल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले सुनील तटकरे ने कहा कि कल दोपहर तक सीटों के बंटवारे पर फैसला होने की उम्मीद है। इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके लिए तो समय कम बचा है। मुझे लगता है कि आज रात तक नहीं तो कल दोपहर तक सीटों के बंटवारे के बारे में कांग्रेस के साथ बातचीत हो जाएगी। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। है तो सीएम, पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हाईकमांड बैठ के तय करेगा अलायंस। मधुसूदन मिस्त्री ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सभी सीटों की समीक्षा की गई, हालांकि कांग्रेस ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 144 सीटों की मांग कर रही एनसीपी ने कांग्रेस को पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जबकि कांग्रेस 125 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं।